12वीं की विषय अर्थशास्त्र की क्लास में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन बेटा मुद्रा पढ़ रहे हैं ना, तो मुद्रा के कार्य, मुद्रा का अर्थ और मुद्रा की पूर्ति। तो मैंने आपको मुद्रा के कई प्रकार की क्या बताई थी, परिभाषाएं बताई थी और उनके कितने आधार होते हैं। तो अपन में दो प्रकार के आधार होते हैं, विस्तार के आधार पर कार्य होते हैं और वर्णनात्मक कार्य की परिभाषाएं बताई थी मैंने आपको। उसके बाद आपको बताया था कि मुद्रा के क्या कार्य हैं। तो मुद्रा के चार प्रकार के कार्य होते हैं। तो पहला होता है बेटा प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आपने बेटा पढ़ा था विनिमय का माध्यम। तो जो प्राथमिक कार्य होते हैं मुद्रा के, उसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था विनिमय का माध्यम होती है मुद्रा, और दूसरा हुए पढ़ा था बेटा मूल्य का मापक। तो मुद्रा का मूल्य मापक कैसे क्या है इसका, तो वस्तुएं खरीदने में, मतलब जो मुद्रा का मापक है उससे अपन को वस्तुएं खरीदने में क्या है, सुगमता, सरलता। फिर उसके बाद आएगा बेटा कि मुद्रा के कार्य के अंतर्गत दूसरा कार्य कौन सा होता है, गौण या सहायक कार्य। तो ये मुद्रा का कौन सा कार्य है बेटा, दूसरा कार्य है, दो नंबर का कार्य है बेटा ये। दो नंबर का कार्य है ये, तो ये मुद्रा के, तो ये मुद्रा का दूसरा कार्य है, ये गौण कार्य हुआ दूसरा मुद्रा का। भावी भुगतानों का आधार, मतलब मुद्रा का जो कार्य है उसमें भावी भुगतान, जो अपन को भुगतान करने हैं। तो अधिकांश व्यवसाय तुरंत भुगतान नहीं करते। अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करोगे, अगर वो बहुत विस्तृत रूप में है और अपन आप कोई वस्तु को खरीदते हो या क्रय करते हो या कोई भी, तो सबसे पहले आप करो क्या करोगे, व्यवसाय भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए भुगतान को कुछ समय टालना चाहते हैं। मतलब जो ये दूसरा पॉइंट है, भावी भुगतानों का आधार। तो जो अधिकांश लोग व्यवसायी जो होते हैं वो तुरंत भुगतान नहीं करते, वस्तुओं के रूप में ऋण के लेन देन के कार्य में भी इनको क्या होती है, कठिनाई होती है। मतलब आप कोई भी वस्तु को, मतलब बड़े पैमाने पर अगर व्यापार करते हैं तो लेन देन में थोड़ी सी क्या होती है, असुविधा होती है। इस कार्य में मुद्रा का क्या है, आधुनिक युग में औद्योगिक और व्यापारिक, मतलब जो आधुनिक युग है वो औद्योगिक और व्यापारिक है, इसमें इस क्षेत्र में साख मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। मुद्रा भुगतानों के संबंध जो अतिरिक्त भावी गुण होते हैं उनको क्या करती है, संपन्न कराती है। ऐसी वस्तु में जिनके भावी भुगतानों का हिसाब इस प्रकार रखा जाता है, जिसमें ऋणों और ऋणदाता को हानि भी ना हो। तब जो ऋणदाता है और जिसने ऋण लिया, अगर वो भावी भुगतानों के आधार पर अगर भुगतान करेगा तो उसको ना हानि होगी और उसमें क्या होगा, ऋणों और ऋणदाता को हानि भी नहीं होगी, और लेन देन व्यापार के स्थगित मतलब भुगतान के रूप में होता रहेगा। और मुद्रा का कार्य का ये दूसरा महत्व था। तो दूसरा महत्व क्या है, भावी भुगतानों में आधार में क्या है, ये सहायक है। फिर है बेटा वर्तमान समय में जो व्यापार होते हैं चलते हैं, तो मुद्रा के सर्वमान्य गुण, मतलब इसमें सर्वमान्यता का गुण विद्यमान होता है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा अधिक टिकाऊ होती है। मतलब वर्तमान में कैसा युग चल रहा है बेटा, ये अपना साख युग चल रहा है, और ये क्या है, एक प्रकार से मुद्रा मतलब गुणों को विद्यमान करने में क्या है, मुद्रा अधिक टिकाऊ होती है, और ये उधार लेन देन की मान्यता में बहुत प्रोत्साहन, मुद्रा अधिक टिकाऊ नहीं होती। मतलब वर्तमान जो समय है वह साख के आधार पर चलता है, और मुद्रा सर्वमान्यता का गुण उसमें क्या होता है, विद्यमान होता है। क्योंकि सारे कार्य अपने काय से होते हैं बेटा, मुद्रा के माध्यम से होते हैं, और अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा अधिक टिकाऊ नहीं होती। फिर है बेटा इसके बाद आपका मूल्य का संचय। मतलब मुद्रा का दूसरा कार्य होता है गौण कार्य में, सहायक कार्य जो होते हैं मुद्रा के, उसका दूसरा कार्य है मुद्रा मूल्य संचय का आधार। मतलब जो मूल्यों का कार्य
हुआ बेटा इसका गौड़ सहायक कार्य के अंतर्गत मूल संचय का। तो मूल संचय का आधार प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने, मतलब आप अगर पैसा आपके पास मुद्रा है अधिक मात्रा में तो आप उसका संचय करोगे, क्योंकि उसकी भविष्य में उस मतलब उससे जो अपन ने संचय किया है, अपन ने जो मुद्रा संचय की है भविष्य में उससे क्या होगी, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, उसको संग्रह करेगा और अपनी आवश्यकताएं पूरी करेगा। तो मूल संचय का आधार प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रह करता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अभाव में मुद्रा धन संचय करने और में क्या होती है, कठिनाई होती है। मुद्रा के आविष्कार में कठिनाइयों को क्या किया जाता है, दूर किया। धन संचय सफल मुद्रा आज के युग में पूंजी संचय बड़े पैमाने पर, मतलब जो आज का युग है वह धन संचय से पूंजी संग्रह व बड़े पैमाने में उत्पादन का एकमात्र क्या है, साधन है। और मुद्रा बचत क्रिया भी क्या है, क्या करता है, संभव बनाता है। मुद्रा से मतलब अपन क्या करेंगे, मुद्रा अपने पास जितनी अर्जन होगी वो इसको बचत क्रिया करने में क्या करेगी, वो अपनों को सहायक करेगी। इस प्रकार स्पष्ट मतलब अपन इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि मुद्रा मूल्य अथवा क्रय शक्ति संचय का सबसे अधिक और उपयुक्त साधन है, क्योंकि अपन अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा को क्या करते हैं, संग्रह या संचय करते हैं। उसके बाद है बेटा तीसरा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तो जो मुद्रा है वह मुद्रा का तीसरा और महत्वपूर्ण कारक है मुद्रा हस्तांतरण करना। तो मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक मनुष्य दूसरे मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। मतलब मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, किया जा सकता है। ये तीसरा कारण है इसका मुद्रा का क्रय शक्ति या हस्तांतरण विधि। और इसके कारण क्या होता है, इसको एक क्या है बेटा, ये मुद्रा में विनिमय को व्यापक बनाने में भी ये क्या है, जो मुद्रा होती है उसको व्यापक बनाने के लिए भी ये क्या है, सरलता से इसको कार्य से वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय से भी इसको मतलब दूर होने लगा है। और ये क्या है, यदि मुद्रा का कार्य नहीं होता तो समाज में आर्थिक उन्नति का चक्र अवरुद्ध हो जाता। अगर मुद्रा नहीं होती, मुद्रा का कार्य नहीं होता तो क्या होता, इसमें समाज की आर्थिक उन्नति क्या हो जाती, अवरुद्ध हो जाती। और मुद्रा के इन कारण से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय क्या होता, दूर तक होने लगा। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा मुद्रा के तीसरा कार्य होता है आकस्मिक कार्य। तो आपने अभी तीन कार्य, आपने सहायक कार्य या गौण कार्य में आपने तीन पढ़े, इसके अंतर्गत तीन कार्य आते हैं बेटा, भावी भुगतान, दूसरा मूल्य संचय का आधार और तीसरा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तो जो क्रय शक्ति है उसको कैसे हस्तांतरित किया जाता है, अगर मुद्रा नहीं होती तो व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति कैसी हो जाती, अवरुद्ध हो जाती। और मुद्रा को एक
मुद्रा का एक चौथा तीसरा कार्य होता है आकस्मिक कार्य, मतलब जो मुद्रा अचानक से अपन को इन सब कार्य के लिए आवश्यक होती है। तो मुद्रा में ये जो कार्य हैं आकस्मिक कार्य हैं, ये गौण कार्य के मतलब किनल के अनुसार मुद्रा निम्नलिखित आकस्मिक कार्य भी होते हैं। तो पहला है, तो तीसरा हुआ बेटा ये, उसके अंतर्गत आएगा साख का आधार। जो साख मतलब हम कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं, मुद्रा आकस्मिक कार्य का सर्वप्रथम होता है साख। साख के आधार पर कार्य करते हैं, मतलब जो मुद्रा है वो साख के आधार पर क्या करती है, कार्य करती है। आज के युग में साख युग होता है को महत्व दिया गया है, मुद्रा के महत्व को अधिक हो गया है, मतलब जो साख का युग है मुद्रा के लिए आवश्यक हो गया है। आजकल समस्त औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां मुद्रा की आधारशिला पर टिकी होती है, मतलब बिना मुद्रा के कोई भी कार्य नहीं होते। तो जो आज मतलब जो व्यवसाय है औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियां है वह काय पर आधारित है, मुद्रा पर आधारित है। और उत्पादन साख मुद्रा के सहायक सह अर्थव्यवस्था में उन्नति को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है सुगमता से सरलता से, इसको क्या करता है, इसमें सरलता हुई। और मुद्रा साख के अभाव में कोई भी अर्थशास्त्री मतलब जो अर्थव्यवस्था है वह विकास की ओर मतलब अग्रसर नहीं, मतलब मुद्रा के बिना कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता। तो मुद्रा के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था मतलब विकास की ओर अग्रसर नहीं होती। और मुद्रा के अभाव से साख मुद्रा पर विचार केवल एक मिथ्या है, इसके लिए स्पष्ट है कि मुद्रा साख का होना अच्छा मतलब मुद्रा पर साख का आधार होना होता है। फिर दूसरा है बेटा आय के वितरण में भी सहायक। जो मुद्रा दूसरा हो गया आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आय के वितरण में क्या होती है, मुद्रा सहायक होती है। मतलब जो अपन मुद्रा का दूसरा आकस्मिक कार्य है आय के वितरण में सहायक। तो समाज में राष्ट्रीय आय उत्पादन में विभिन्न साधनों के बीच मतलब जो विभिन्न साधन हैं उनके बीच में कैसा वितरण होना चाहिए, और किसी देश में जितना उत्पादन होगा उत्पत्ति के साधन मतलब जो उत्पादन काय पर आधारित है, मुद्रा पर। और मुद्रा मतलब जो उत्पादन से ही अपन को क्या प्राप्त होगी बेटा, उसका विनिमय होगा, तो अपन को क्या प्राप्त होगी, मतलब जो अपन उत्पादन करेंगे साधनों को वितरण करेंगे और उसकी मतलब क्या करेंगे सुविधा करेंगे, तो उससे क्या प्राप्त होगी, अपन को आय प्राप्त होगी। और उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का भी क्या होगा, इसमें सहयोग प्राप्त होगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुद्रा में केवल राष्ट्रीय आय का भुगतान मतलब जो मुद्रा है उससे राष्ट्रीय आय का भी अनुमान क्या कर सकते हैं, अपन लगा सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति उसके योगदान के अनुपात में क्या करेगा, मुद्रा के भुगतान में उसमें उसको क्या देगा, क्या देगा, आय प्राप्त होगी उससे। उससे क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। तीसरा है बेटा पूंजी के समान रूप का आधार। जो पूंजी है उसका जो आय का वितरण मतलब जो पूंजी उसको वितरण कैसा होगा, सामान्य रूप से उसका आधार। तो पूंजी सामान्य रूप से मुद्रा के रूप में बचने से विभिन्न वस्तुएं क्या की जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। और पूंजी मुद्रा के रूप में ही क्या होती है, अपन को प्राप्त मतलब मुद्रा के रूप में रखा जाता है। जो मुद्रा होती है उसको काय के रूप में, पूंजी के रूप में रखा जाता है। पूंजी की सरलता कैसी होती है, गतिशीलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। जो तीसरा कारण हम क्या था बेटा, पूंजी समान रूप से आधार मतलब जो अपनी जो पूंजी है उसको अपन क्या करेंगे, आजकल धन को क्या मानते, पूंजी को क्या मानते हैं, मुद्रा के रूप में उसको व्यक्त करते हैं, उसका आधार मानते हैं। और उसकी तरलता और गतिशीलता में जो वृद्धि होती है वो आधुनिक में क्या है, मुद्रा के लिए क्या है, विशेष महत्वपूर्ण है। तो चौथा है बेटा इसी का, उपभोक्ता को सम सीमांत मतलब जो उपभोक्ता है वह सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए भी क्या सहायक होता है। तो मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता अपनी आय को क्या करता है, विभिन्न रूप से क्या करता है, प्रयोग करता है। और उसको क्या करता है, समान उपयोगिता
मुद्रा के आकस्मिक कार्य। तो आकस्मिक कार्य के अंतर्गत ये चार कार्य है बेटा, साख का आधार, आय के वितरण में सहायक, पूंजी के समान रूप में सहायक और उपभोक्ता के समसीमान उपयोगिता को प्राप्त करने में सहायक। उसके बाद है बेटा आप पढ़ोगे मुद्रा के अन्य कार्य। तो जो मुद्रा के अन्य कार्य के अंतर्गत आएंगे इच्छा के वाहक, मतलब आपने फ्रेंड गृह ग्रह के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है कि इच्छा वाहक। तो फ्रेंड ई ग्राहक ने एक परिभाषा दी है, मुद्रा मनुष्य के समाज की ऐसी क्षमता प्रदान करती है, मतलब जो मुद्रा है वो समाज को ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिसके द्वारा भावी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार क्रय शक्ति का क्या हो, प्रयोग हो और मुद्रा के स्थान पे अन्य वस्तुओं का संचय किया जाना सुविधा को उपलब्ध हो सकती है। मतलब जो मुद्रा के से अपन को अन्य सुविधाएं भी क्या हो जाती हैं, मुद्रा के संचय से अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं और किसी प्रकार समस्त विनिमय भी इससे किया जा सकता है। तो इसका हो गया अपना है इच्छा वाहक, जो उन्होंने किसने फ्रेंड ग्राह ने एक परिभाषा दी। उसके बाद है बेटा तरलता संपत्ति का रूप, मतलब जो दूसरा अन्य कार्य है तरलता संपत्ति का रूप, जो संपत्ति है वो तरलता, किन्स ने इसको प्रतिपादित किया बेटा, किन्स के अनुसार मुद्रा तरल संपत्ति के रूप में महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। मतलब जो मुद्रा है वो तरल संपत्ति के रूप में कार्य संपादित करती है और तरलता से मुद्रा स्वयं मूल का संचय व कार्य करती है और इसलिए प्रत्येक वस्तु प्रत्येक मनुष्य अपनी संपत्ति का अन्य संपत्तियों से रखने के बजाय मुद्रा में क्या करता है, संचित रखता है। मनुष्य कई कारणों से मुद्रा में तरल नगद रूप में और आकस्मिक संकट का सामना भी करता है और इसे लेन देन के या निवेश के रूप में मुद्रा तरल संपत्ति के रूप में भी इसको क्या किया जा सकता है, रूप में रखा जा सकता है। तीसरा है बेटा भुगतान की क्षमता का सूचक, मतलब जो मुद्रा है वह एक प्रकार से क्या है, भुगतान के मूल्य के लिए जो है मुद्रा भुगतान का सूचक। मतलब अपन कोई वस्तु जब खरीदते हैं तो उसका क्या करते हैं, भुगतान उसका सूचक है। तो उसको प्रोफेसर आर पी केंडने के अनुसार उन्होंने परिभाषा, मतलब उसको व्यक्त किया है, मनुष्य के ऋण भुगतान करने की क्षमता प्रदान करता है। व्यक्ति के फर्म में एक मुद्रा रूपी ज्ञात करने के लिए भुगतान क्षमता के लिए भी ये क्या होता है, सहायक होती है। मुद्रा अनुपस्थित व्यक्ति या फर्म की दिवालिया घोषित ना, मतलब जो फर्म होती है मतलब दिवालिया घोषित कर दी जाती है उसे प्रत्येक व्यक्ति फर्म अपनी भुगतान करने के लिए अपनी आय अथवा साधनों के रूप में से क्या कर सकता है, संचित कर सकता है और उसको भुगतान भी कर सकता है। तो मुद्रा के उपयुक्त रूप, मतलब जो मुद्रा के कार्य हैं उपयुक्त कार्यों की विवेचना की गई, जो मुद्रा के सामाजिक आर्थिक विकास, मतलब जो मुद्रा के कार्य हैं सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और मुद्रा मनुष्य के लिए कैसी है, मतलब जो मनुष्य के जीवन के लिए सभ्य जीवन के लिए जितना अधिक आवश्यक है, मतलब अत्यंत कठिन है उसको जीवन यापन, तो उसके लिए मानव सभ्यता के विकास के लिए मुद्रा अत्यधिक मतलब उपयोगी है। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये आप उस ये पूरे जो मुद्रा के कार्य हैं, जो मुद्रा की परिभाषा देकर जितने भी मुद्रा के कार्य हैं उनको आप एक्सप्लेन करोगे। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, स्पष्ट कीजिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है बेटा, 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आप परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत उपयोगी है, तो आप इसको अच्छे से याद करोगे और मुद्रा के कार्यों को अच्छे से लिखोगे कॉपी में और लर्न करोगे। धन्यवाद बच्चों। तो बेटा मुद्रा की परिभाषा लिखिए, मुद्रा के कार्य बताइए और मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको मुद्रा